दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक, सब ठीक होंगे। तो मैं सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था कि हम वो किस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं जावा के बारे में। तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, गेम जावा कोडिंग, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, इसको हमने रन करके देख लिया था। आ जाओ हमारा सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट हूँ और ये डॉक्यूमेंट फाइल, और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं सेकेंड। तो इसको हम डॉट जावा कर लेंगे हमने अभी। तो सबसे पहले मैंने बेसिक सेंटेक्स बताया था इसका, जो हमने जब भी आपने वर्ड फाइल के अंदर जावा का कोड लिखना है, सबसे पहले हमने लिखना है पब्लिक पब्लिक क्लास। क्लास के बाद जो क्लास का नेम जो लिखना है वो उसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड जो होता है हमेशा कैपिटल होता है। ये लाजमी नहीं है, हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक रूल है, एक अच्छा सेंटेक्स जो है पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारी क्लास है, तो इसके लिए ये अच्छा होता है। और कॉमेंट लाजमी थोड़ा सा किया करें, अगर आप कोडिंग में न्यू है तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है, अगले बंदे के लिए भी अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, अब ये पब्लिक क्लास बन गई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये अरे आ गई, और हम यहाँ पे ए आर जी एस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये, और ये हमारी क्या हो जाएगी मेन, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ओके, तो मैंने प्रिंट करवाने के लिए बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और ये हाय टुडे आवर सेकंड लेक्चर, और ये सेमी कॉलन, ठीक। इसको सेव किया, मैं कंट्रोल सेव एस करता हूँ यहाँ पे। डॉट टेक्स्ट नहीं, डॉट हमने करना है जावा। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद इसको मैं ज़रा कर लेता हूँ ओपन विथ नोट पैड, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ हमारी कमांड प्रॉम्प्ट, और हमने जावा एस लिखूंगा और सेकेंड सॉरी हाय टुडे आवर सेकंड लेक्चर, ये मेंशन है, ठीक है। डायरेक्टली भी हम रन कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका यही होता है जावा सी, और एस लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर देगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज सम मिस्टेक, जावा सी और सेकंड, और ये टैब, ये उसकी एक क्लास बना देगा। क्लास के बाद हम इसको क्या करेंगे, जावा सेकंड। ओके, जावा। ओके, तो अब ये क्या करेगा, हाय टुडे आवर सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये काम करेगा। इसको मैं ज़रा क्लीन कर देता हूँ हमारे ब्लैक बोर्ड को। ओके, तो आज की डेट में हम देखेंगे इसको, मैं ज़रा ओके सॉरी, मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ। आज की डेट में हम देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम किस तरह यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले लेट्स सपोज मेन आ जाते हैं, कोई हमने इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास इंट होगा, इंट हम इसके अंदर इस तरह ले सकते हैं इंट, और उसका नाम होगा, कोई भी हम वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, नम वन इज इक्वल टू 5, लेट्स सपोज ये, और मैंने इसको प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं नाम बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एस एंड, तो ये इसने मुझे प्रिंट कर दिया 5, ठीक है। अब हमारे पास डेटा टाइप्स किस तरह की होती है और कितनी कितनी होती है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इनको मैं ऐसे रहने देता हूँ। हमारे पास डाटा डिफरेंट टाइप्स में आता है, डिफरेंट वेज में आता है।
भी फॉर्म में हमारे पास डाटा हो सकता है। तो इंटीजर की फॉर्म में हम इसके अंदर यूज़ कर, डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती है, इंट होता है जिसके अंदर हमारे पास होता है 0 to 9 तक। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, इस तरह आप लोगों ने करना नहीं है, ये मैं जस्ट साथ में जस्ट अ सेकंड कॉमिट आउट कर देता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है, ये कुछ डाटा टाइप्स की एग्जाम्पल्स है। और यहाँ पे 0 to 9। सेकेंडली आ जाते हैं, लेट सपोज मेरे पास डेसिमल वैल्यू हो तो वो हम किस तरह देख सकते हैं, उसमें हमारे पास यहाँ पे जावा के अंदर यूज होता है डबल। दूसरी लैंग्वेजेस में आप फ्लोट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन फ्लोट इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट आई डोंट रिकमेंडेड, मैं डबल ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं डबल क्यों प्रेफर करता हूँ इसकी भी मैं आपको रीज़न एक बता दूंगा। और एग्जाम्पल के हम कोशिश करते हैं कि अगली इसके बाद जो हमें एग्जाम्पल है उसमें हम देख लें कि ये फ्लोट में और डबल में क्या फ़र्क आ जाता है। इसके अंदर 0 to 9 और आ जाएगी इसके अंदर डेसिमल वैल्यू, मतलब डॉट वाली, जिसके अंदर डॉट होगा वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मोस्टली ये डाटा टाइप ही यूज होती है, एक बुलियन होती है, ये या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एक ये डाटा टाइप होगी, और थर्ड हमारे पास डाटा टाइप्स आ गई, ए लेट सपोज कोई एक आधा करेक्टर होता है, ए बी सी डी या इस तरह का कोई भी करेक्टर होगा, वो होती है चार, चार हम इसके अंदर लिखते हैं, वो A to Z, और कोई भी स्पेशल करेक्टर हो सकता है, वो क्या होता है सिंगल कोट्स के अंदर हम उसको लिखते हैं, एनी करेक्टर। अब लेट्स सपोज मैंने कोई एक सीक्वेंस में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, एनीथिंग, मतलब यूनिकोड के अंदर जो जो कुछ भी आता है हमारे यूनिकोड के अंदर वो सारा कुछ आता है। अब यूनिकोड क्या होता है इसको अब हम देख लेते हैं। यूनिकोड ये हमारे पास एक अच्छा सा टेबल आ जाएगा, ये ले जी, ये यूनिकोड है, हर एक चीज का यूनिकोड, इमोजीज का यूनिकोड होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो कुछ भी आप सोच सकते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हर एक चीज का यूनिकोड होता है। तो हम ये चीजें कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाता है, यूनिकोड आ जाता है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, एनीथिंग आप कुछ भी दे सकते हो स्ट्रिंग के अंदर, वो क्या एक्सेप्ट करेगा एज अ यूनिकोड। बेसिक ये डाटा टाइप्स है जो नॉर्मली यूज होती है, इसके बाद लिस्ट से आ जाती है, कलेक्शंस आ जाते हैं, अरेज आ जाती है, लेकिन वो बाद की चीज़ें हैं, पहले बेसिक्स हम अब डिक्लेयर करेंगे जो जिसमें हमारे पास ये वाला इतना सा काम होगा। इसके बाद फिर हम अरेज की तरफ आएंगे, लिस्ट की तरफ आएंगे, वो भी डाटा टाइप्स हैं, वो किस तरह यूज़ होती है, उनका एक अलग तरीका, उनका एक अलग मेथड है, वो चीज़ें हम देखेंगे, उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी डाटा टाइप्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मेरे ख्याल में डेसिमल में एक लॉन्ग आंसर आना चाहिए, देखते हैं। ओके, इंट के अंदर मैं 0.5 ऐड करता हूँ और इसको मैं करता हूँ जी प्रिंट करो, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो वो मुझे एरर दे रहा है, भाई ये इंट है और इंट के अंदर आपने 0.5 दिया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम डबल टू इंट, यानी कि या तो आप इसको कन्वर्ट करो डबल टू इंट में, या तो आप कन्वर्ट करो, अदरवाइज क्या करो, ये आप इसका ये 0.5 है आप इसका रिमूव करो, ठीक है। अब हम जरा कन्वर्जन का मेथड देख सकते हैं, कास्ट इन जावा। ओके, तो ये उन्होंने ये देखे, ये हमने क्या, ये इसको कास्ट करने का तरीका है, मतलब उसमें कन्वर्ट करने का तरीका है, तो ये मैं इसको इस तरह करके मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंट। ओके,
देखे उसने 0.5 इसका रिमूव कर दिया और इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। ओके होपफुली इतना आपको क्लियर होगा। अब आ जाती है हमारे पास डबल वैल्यू। अच्छा डबल वैल्यू को डिस्प्ले करने के ना कुछ काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन ना देखते हैं हम इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी कंट्रोल जी, ये मुझे चाहिए ये ऊपर वाला जो। ठीक है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ फाइव। ओके सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 100। तो होपफुली क्या आंसर होना चाहिए, 0। ओके 101 डिवाइडेड बाय 5। लेट मी चेक अब क्या आंसर आता है, 20। तो ये हमारा एक आंसर आता है। ये मतलब इसका ऊपर वाला ये आंसर दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे मॉड अगर हम लेते हैं तो इसमें मीन होता है मॉड होता है। ये हम देखेंगे कि ये वाले ऑपरेटर किस तरह यूज होते हैं, हम इसको कि कौन से अप्लाई करने से हमें क्या आंसर मिलता है। ठीक है रिमाइंडर ये जो है मॉड यूज करने से ये हमें रिमाइंडर देता है 1। अब लेट्स सपोज किसी और भी कोई भी इक्वेशन हो, 11 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। वेयर इज जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। ओके तो मैं ये देता हूँ तो वो मुझे इसको रिमाइंडर जो है वो 1 दे रहा है। 11 से हट के हम इसको लेट्स सपोज मैं 10 करता हूँ, तो अब देखते हैं अब ये मुझे क्या देता है। ये इसमें इसका रिमाइंडर 0 है। अब रिमाइंडर क्या होता है, ये अब मैथ की इक्वेशन है वो आप देख लेना। रिमाइंडर क्या होता है, अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो वो मुझे 2 दे रहा है। मतलब 10 जो है 10 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऊपर वाला 2 आएगा। ये इसके अंदर रिमाइंडर वाला होता है। ओके अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज सॉरी इसको नहीं, लेट्स सपोज मेरे पास 2 वैल्यूज हैं। यहाँ पे मेरे पास एक दो वैल्यूज हैं डबल, लेट्स सपोज हाँ डबल। चलिए एक जावा के अंदर एक प्रॉब्लम है हम वो देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास मैं यहाँ पे 0.0 कर देता हूँ तो जावा के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो 2.0 ये चीज अब हम देखते हैं। तो इसने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करने के बाद इसने क्या किया, हमें जो आंसर है 0.0 दिया। 0.0 का मतलब ये है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कन्वर्ट, ऊपर जो हमारा आंसर आएगा ऑटोमेटिकली उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है तो वैसे भी डिवीजन जो होती है मोस्टली डबल के साथ होती है, क्योंकि डबल में हमारा पास जो आंसर होता है वो आता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में आता है, डेसिमल में भी आना होता है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी होती है रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में इंटीजर डिवीजन ही हम लोगों ने करनी। हमने कौन सी डिवीजन करनी है, डबल में डिवीजन करनी है। एक वो तरीका है, अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे डी लगा देता हूँ 5 डी। मुझे इस डी लगाने से कोई एरर नहीं देगा, लेकिन डी लगाने से क्या करेगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि इसका जो नीचे वाली मेरी वैल्यू है वो डबल में कर रही है। तो देखें उसने क्या किया, मुझे वो उसने फिर भी आंसर 2.0 दिया। लेट्स सपोज मैं 5D भी रिमूव कर देता हूँ, डी भी रिमूव करने से क्या करेगा, वो मुझे 2 दे रहा है। तो ये एक जावा के अंदर ये मुझे थोड़ा सा एज भी एक तरह से लगता है कि आप लोग स्पेसिफाई कर देते कि आपकी कौन सी वैल्यू। लेट्स सपोज डबल नम इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। अब ये देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अच्छा एक और चीज है जावा के अंदर, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी, ये देखते हैं हम।
वेरिएबल माइट नॉट बी हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब वो बोल रहा है कि आपका वेरिएबल इनिशियलाइज्ड नहीं हुआ, वो इसको आपने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। अब मैं इसको 5 कर देता हूँ कंट्रोल एस और मैं री एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसने मुझे क्या दिया 5.0। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मेरे पास है डिवाइडर है एक 5 से 56 है डिवाइडेड बाय, मैं नम करता हूँ तो मेरा आंसर होपफुली होपफुली जो है डबल में आएगा, तो मैं ये इसको करता हूँ तो ये देखे 11.2 उसने मुझे आंसर दिया। ओके तो ये डबल क्यों यूज करते हैं, डबल के अलावा हम फ्लोट क्यों नहीं यूज करते हैं, इस इशू पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज फ्लोट नम इज इक्वल टू 1.569999, मैं इतना देता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं नम को प्रिंट करता हूँ नंबर, तो होपफुली मुझे इनकम्प्लीट टाइप्स पॉसिबल। ये लॉसी ये देख रहे हैं, इसकी लेंथ का मुझे सबसे ज़्यादा इशू आता है जावा के अंदर, आपको फ्लोट के बजाय आपको इसलिए वो बोलते हैं कि आप फ्लोट ना यूज़ करो, आप इसको डबल यूज़ करो कुछ वेरिएबल्स। लॉसी का मतलब ये है कि ये एक लिमिट के 1.5 यहाँ पे 7 तक जाएगा और इसके बाद बाकी की चीज़ें जो है वो इसको रिमूव कर देगा, फ्लोट जो है उसकी वो उसकी लेंथ थोड़ी होती है एज कंपेयर टू डबल, तो इसलिए हम क्या करेंगे डबल ही यूज़ करेंगे। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप जो है ना ये चीज़ जो है आप लोगों ने यूज़ करनी है। अब हम देखते हैं गूगल के पास सब कुछ है, फ्लोट लेंथ इन जावा 0.0 ये है और ये 4 बाइट लेता है, और डबल की 0.0 और ये 8 बाइट लेता है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड यूजिंग डबल। सो आज से आपने प्रोग्रामिंग में अपने रियल लाइफ जो भी डेसिमल वैल्यू होगी आज से आपने डबल यूज करना है, आपने फ्लोट नहीं यूज करना। ओके लेट मी गिव यू अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ दिस फ्लोट। पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज द पाई द वैल्यू, ये जस्ट मुझे ये इतना देगा 3.5। अगर वैसे मैं पाई यूज करता हूँ, लेकिन वो खैर नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ देखेंगे, अभी तो इसके बारे में हम लोग भी काम भी नहीं कर रहे। 7/22 करके देखें, वैसे पाई की वैल्यू ये नहीं होती तो ये मुझे एरर देगा, एरर सिस्टम डॉट आउट डॉट ओके ओके एरर क्यों दे रहा है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं पास किया था, तो CLS और लेमी अगेन तो 0.0 देगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 22/7, तो उसने मुझे 3.0 दी है, लेकिन इसके अंदर 3.0 देनी नहीं चाहिए थी, इसकी वैल्यू कुछ और होती है डबल। अब लेट्स सपोज मैं इसको डबल में कन्वर्ट करता हूँ, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आता है, ओके डबल में भी हमारे पास 3.0 ही आंसर दे रहा है, लेकिन खैर वो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू किसी और तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेंगे। ठीक है, होपफुली बेसिकली आपको बेसिक लेक्चर की समझ लग गई होगी कि ये काम किस तरह करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें, और सेकेंडली मेरे इस तरह की वीडियोज फ्लटर या डार्ट से रिलेटेड भी आती रहती हैं, अगर कोई आप अपनी मर्जी से डेटाबेस वगैरह सीखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम उसकी भी एक सीरीज बना देंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।